नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में उपलब्ध होंगी अब 4 वैक्सीन स्पुतनिक के बाद, अब मॉडर्ना की वैक्सीन को भी मिली मंजूरी। कश्मीर में धर्मांतरण मामले में नया मोड़, एक पीड़िता की कराई गई जबरदस्ती शादी, दो ने कबूला खुद की है शादी। किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप की हुई शुरुआत, मिलेगी खेती संबंधी जानकारी और मौसम की सूचना। फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, दिल्ली एनसीआर को बारिश के लिए करना होगा एक हफ्ते का इंतजार। दिल्ली के शाहदरा इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, 4 लोगों की मौत, एक गंभीर घायल। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। कोरोना की तीसरी लहर ने सभी की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों से प्रभावी कोरोना प्रबंधन के लिए 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। साथ ही प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक तय करने की भी सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जुलाई महीने के लिए कोरोना प्रबंधन पर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को पत्र लिखकर सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को नियमित रूप से उन जिलों की निगरानी करनी चाहिए जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना वायरस के उपचाराधीन मामलों की संख्या अधिक है, क्योंकि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और साजो सामान को अपडेट करने की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए यह महत्वपूर्ण संकेत है। तो बता दें कि देश में इस वक्त तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर ने इस वक्त सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में 5 स्तरीय रणनीति पर चर्चा की गई है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये चेतावनी दी गई है कि सभी लोग अपने राज्यों में कोरोना की रोकथाम के लिए बचाव कार्य करें। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से इस वक्त सरकार के लिए कोरोना की तीसरी लहर चिंता बना हुआ है, जिसके बाद 5 स्तरीय रणनीति तैयार की गई है, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, उसका आपसे बताना चाहेंगे। सरकार इससे तमाम ऐसी रणनीतियां बना रही है कि तीसरी लहर को लेकर किसी तरह की कोई असुविधा ना आए, आम जन इसका स्वास्थ्य ना आए। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि दूसरी लहर में कितनी बुरी स्थिति बन गई थी, उसको लेकर सरकार इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए बच्चों के लिए विशेष पीकू वार्ड और इस तरह की तैयारियां की गई हैं, वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है कि तीसरी लहर में कोई ऐसी बड़ी समस्या ना आए, चाहे वैक्सीन की बात हो तो वैक्सीनेशन के लिए तो सरकार तैयार है। इस समय दो ऐसी स्वदेशी वैक्सीन है जिनको भी शुरू किया गया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद क्या कहते हैं स्पुतनिक भी क्या कहते हैं शुरू हो गई है, और एक मॉडर्ना कंपनी की भी वैक्सीन आ गई है। तो सरकार कहीं ना कहीं से वैक्सीनेशन को बढ़ावा देकर इस तीसरी लहर को बचाने की पूरा प्रयास कर रही है। जी अनुष्का, इसमें ये भी देखने को मिला है कि जहां राज्य सरकारें इस वक्त कोरोना में ढील दे रही हैं, कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा चुकी है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में केंद्र सरकार ने चिंता भी जाहिर की है कि अगर हम रियायतें दे रहे हैं तो उसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जो 5 स्तरीय रणनीति तैयार की गई है, इसमें इन बातों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसे में क्या हम ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि क्या केंद्र सरकार इस वक्त अनलॉक को चिंता का विषय समझ रही है? जी बिल्कुल अनुष्का, आप देख रहे हो कि बाजार के हालात क्या हैं और चारों तरफ कैसा माहौल बना हुआ है। एकाएक में अगर क्या कहते हैं समस्याओं को देखते हुए व्यापारी हो गए, चाहे पढ़ाई से एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, लॉकडाउन तो खोला गया लेकिन आम जन जो है वो एकदम बेकाबू है, बिल्कुल ना मास्क का प्रयोग कर रहा है। तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स भी विशेषज्ञ भी बड़े बड़े बोल रहे हैं कि ये खुद ना अपने बुलावा दें कोरोना को, तीसरी लहर में आप खुद ना अपने घर में उसको ले आए, इसका ध्यान दें और उसको सतर्कता से इसका पालन करें। लेकिन आम जन में समस्या देखने को मिल रही है कि वो इन नियमों को नहीं मान रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है कि तीसरी लहर को बुलावा दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ कोरोना की तीसरी लहर ने इस वक्त केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की चिंताएं बढ़ा रखी है। देश भर में 1000 से अधिक लोगों के धर्मांतरण और इसमें विदेशी देशों के धन लगने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस तरह के मामलों को लेकर अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस तथा एसटीएफ के साथ अन्य एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस प्रकरण में इस्लामिक देशों के साथ ही कनाडा तथा अन्य जगहों से धन मिलने पर भी सख्त रुख देखने को मिल रहा है। बता दें कि धर्मांतरण के मामले में 5 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद अब लगातार सीएम योगी के निर्देश पर बाकी साथियों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। देश में अब कुल 4 वैक्सीन मंजूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन से पहले ये मौजूद थी, लेकिन अब स्पुतनिक और अब मुंबई के औषधि कंपनी सिप्ला की मॉडर्ना के टीके के आयात के लिए भारत के औषधि महानियंत्रण ने उसको मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद मॉडर्ना का टीका भारत में उपलब्ध होने वाला कोरोना का अब चौथा टीका होगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि मॉडर्ना के भारतीय साझेदार सिप्ला के मार्फत एक आवेदन मिला है, जिसके बाद मॉडर्ना के टीके को औषधि नियामक द्वारा समिति आपात उपयोग की अनुमति दे दी गई है। तो बता दें आपको कि इस वक्त देश में अब 4 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक, भारत के लिए एक अच्छी खबर, अब भारत में 4 वैक्सीन उपलब्ध हो गई हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि कोविड की वैक्सीन के बाद एक लंबे समय से लोगों के इंतजार था स्पुतनिक का और तमाम ऐसी जो विदेशी कंपनियों की दवाइयां थी और जो स्वदेशी स्पुतनिक में मॉडर्ना और स्पुतनिक 2 वैक्सीन और आ गई हैं, तो कुल अब 4 वैक्सीन हो गई हैं क्या कहते हैं इंडिया में। तो इसको लेकर खुशी की लहर भी है। स्पुतनिक का भी लंबे समय से तैयारी करते जो हाल फिलहाल में अपोलो हॉस्पिटल में राजधानी में भी शुरू किया गया लगना, हालांकि इसके स्लॉट बहुत तेजी से बुक हो रहे हैं, तो वैक्सीनेशन को लेकर एक नई शुरुआत है। तो जिस तरीके से इसे मंजूरी मिल चुकी है, वहीं अब सबसे बड़ा सवाल उठता है और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि मॉडर्ना का आखिर स्लॉट किस तरीके से मिलेगा, वो किस तरीके से उपलब्ध होंगी? बिल्कुल, जो कंपनियां बना रही है मॉडर्ना हो गई, स्पुतनिक हो गई, बाहर की कंपनियां हैं जो मॉडर्ना इंडियन कंपनी है, तो इसकी दवाइयों की बड़ी खेप प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएगी सारी जगह सब कोविशील्ड और कोवैक्सीन की उपलब्ध हो रही है। आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहत भरी खबर इस वक्त देश से सामने आ रही है, जहां अब भारत के पास 4 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। इस घटना में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घटना उस वक्त घटी जब घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और उसमें आग लग गई। मामले को लेकर दिल्ली फायर सर्विस विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि घटना शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में हुई है, जिसके बाद इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं पुलिस आगे की मामले की जाँच में जुटी है। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार की ओर से किसानों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। दरअसल सरकार की ओर से किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप जारी किया गया है। इस ऐप की मदद से किसान कई तरीके की सूचना हासिल कर सकेंगे। सरकार ने किसानों की खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मित्र पर विभिन्न सरकारी विभागों के जरिए किसानों के लिए प्रासंगिक जानकारी का खजाना अब आत्मनिर्भर कृषि ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ऐप एंड्रॉयड विंडोज संस्करणों में किसानों, स्टार्टअप, कृषि विज्ञान केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के लिए 12 भाषाओं में मुफ्त में उपलब्ध होगा। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने ऐप की पेशकश के दौरान कहा कि किसान मित्र पहल के आत्मनिर्भर कृषि ऐप के साथ किसानों के पास IMD, इसरो, ICAR, CGWA जैसे हमारे शोध संगठनों द्वारा दी जाने वाली साक्ष्य आधारित जानकारियां अब उपलब्ध होंगी। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मार्तंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मार्तंड, अच्छी खबर किसानों के लिए, जहां आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत हो गई है, तो क्या कुछ इस ऐप की खासियत है और क्या कुछ इस ऐप में मौजूद होने वाला है किसानों के लिए?
शायद मातंड सभा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां अब केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत कर दी गई है, जिसके बाद अब किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारियां इस ऐप के जरिए उपलब्ध हो पाएंगी। आपको बता दें कि इस ऐप की शुरुआत किसानों की मदद के लिए की गई है। लगातार देखने में आता था कि किसानों को मौसम और खेती संबंधी कई समस्याएं होती थी, जिनके बाद अब राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मित्र पर जो विभिन्न सरकारी जानकारियां होती मौजूद होती थी, अब वो सभी जानकारियां आत्मनिर्भर कृषि ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इस ऐप के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ऐप एंड्रॉयड विंडोज संस्करणों में किसानों, स्टार्टअप, कृषि विज्ञान केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के लिए उपलब्ध होगा। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐप 12 भाषाओं में मुफ्त रूप से उपलब्ध होगा। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मार्तंड हमारे साथ जुड़े हुए। तो मार्तंड, जिस तरीके से किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है, जहां आत्मनिर्भर कृषि ऐप की अब शुरुआत कर दी गई है, इस ऐप के बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल किसानों के लिए बहुत राहत की खबर है ये। इस ऐप का नाम किसान मित्र रखा गया है, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि जो भी किसान है वो डायरेक्ट इस ऐप से जुड़े। 12 भाषाओं में ये ऐप मुफ्त उपलब्ध होगा, और सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने खुद इस ऐप को पेश किया और कहा कि किसान मित्र पहल से आत्मनिर्भर कृषि ऐप के साथ किसानों के पास IMD, इसरो, ICAR और CGWUA जैसे शोध संस्थानों द्वारा दी जाने वाली साक्षर आधारित जानकारियां होंगी। ये जानकारियां किसान जो है इस ऐप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। उसमें उनके द्वारा बेहतर बीज, बेहतर खाद, इस मौसम में परंपरागत खेती के अलावा और कौन सी खेती करके अपने आय का जरिया बढ़ाएं, इस तरह की तमाम जानकारी होगी। देखिए उसका आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और कृषि बिल को लेके, और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव है कि वो अपने आप को किसान हितैषी अगर चाहती है तो उसको साबित भी करे, उसी के तहत ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे वो किसानों के खाताओं में पैसे डालने की बात हो या उन्नत तकनीक के द्वारा उनको खेती की जानकारी देने की बात हो, तो ये किसान मित्र ऐप आने वाले भविष्य में किस तरह से किसानों के लिए कारगर होगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इतना है कि सरकार का ये कदम किसानों के लिए कहीं ना कहीं प्रासंगिक जरूर साबित होगा। जी मार्तंड, लगातार देखा जाता है कि इस तरीके के कई ऐप लोगों के लिए लागू किए जाते हैं, किसानों के लिए, गरीब जनता के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए, लेकिन देखने में आता है कि ये ऐप लोगों की पहुंच से बहुत दूर रह जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है कि इस आत्मनिर्भर कृषि ऐप को किसानों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि देखा जाता है कि कई ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास जानकारी का अभाव होता है, ऐसे में क्या कुछ रणनीति देखने को मिलेगी सरकार की? जी देखिए, बिल्कुल सही है कि हमने अभी देखा पहले के समय में कि तमाम तरह से ऐप मौजूद हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम सरकार चलाती है किसानों के लिए, लेकिन क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर प्रचार प्रसार के अभाव में पहुंच नहीं पाता। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस समय केंद्र में या हम उत्तर प्रदेश में दोनों की बात करें, तो लगातार बेहतर प्रचार प्रसार और लोगों को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी और इस तरह तमाम अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के पास देश के अधिकारियों के द्वारा लोगों को जागृत करके ये जानकारियां पहुंचाई जाती है। तो उम्मीद है कि बेहतर प्रचार प्रसार से सरकार जो है किसानों के बीच पहुंचेगी, और किसान जो है वो लगातार कई तरह की परेशानियां उनको होती हैं, कई बार जो है मौसम की मार उनको पड़ती है, कई बार बेहतर बीज ना होने से फसल खराब हो जाता है, कई बार जो है उसमें कीड़े लग जाते हैं, उससे भी काफी नुकसान होता है। तो किसान मित्र ऐप के जरिए सरकार की कोशिश यही है कि इन सब चीजों से बचा जा सके, और जो वैज्ञानिक है, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं जो तमाम तरीके से रिसर्च किया करते हैं, उसका लाभ जो है किसानों को सीधा मिल सके, इसीलिए 12 भाषाओं में इसको उपलब्ध कराया गया। और सबसे बड़ी चीज ये मुफ्त उपलब्ध होगा, इसको इंस्टॉल किया जा सकता है गूगल प्ले स्टोर से, और ये एंड्रॉयड और विंडोज संस्करण दोनों में उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मार्तंड आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत कर दिया, जिसके बाद अब किसानों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश के साथ खिलवाड़ किया है। बलपूर्वक समाजवादी प्रत्याशियों को नामांकन से रोकने के अलावा उनके समर्थकों पर दबाव बनाने के लिए हर अनैतिक हथकंडा उन्होंने अपनाया है। तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे भी लगा दिए गए हैं।
कई समाजवादियों के घरों पर दबिश देखकर पुलिस ने परिवारजन और बच्चों के साथ अभद्रता की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भयमुक्त बनाने का भरोसा देकर भाजपा ने सत्ता हथिया ली है और जनता का कोई भी भला उन्होंने नहीं किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार में 4.5 साल में प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ा है। जनता त्राही त्राही कर रही है। भाजपा के जंगल राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो अखिलेश यादव ने आपको बता दें कि बीते दिनों भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल रहा है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी जनादेश के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने कई सारे सपा कार्यकर्ताओं के घर पर फर्जी दबिश दी है, जिसके बाद उन्होंने सपाइयों के घरों में परिवारजनों के साथ अभद्रता की है। साथ ही कई लोगों पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार द्वारा बनाए जा रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रख दी है। नया स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बन जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों की संस्था का ये केंद्र में बदल दिया जाएगा। 1991 में बाबा साहेब का जो अस्थि कलश विधानसभा मार्ग स्थित अंबेडकर महासभा के भवन में स्थापित किया गया था, वह अब भव्य स्मारक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पूरी संभावना है कि निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करें। युवा पीढ़ी को डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर परिचित कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के सामने लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करा रही है, जिसका शिलान्यास मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप झेल रहे लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के इलाकों में मानसून की पहली बारिश के लिए अभी और एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में दस्तक दे देता है। पिछले साल मानसून 25 जून को दिल्ली पहुंचा था और 29 जून तक पूरे देश में पहुंच चुका था। भारत मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मध्य दिल्ली में इस मानसून के मौसम में अब तक केवल 8.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो देश में दूसरा सबसे अधिक बारिश की कमी वाला जिला है। भारत में 1 जून से 30 सितंबर तक आधारिक तौर पर मानसून का मौसम माना जाता है। मध्य दिल्ली में 1 जून के बाद से सामान्य 55.2 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 8.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसमें 85% की कमी दर्ज की गई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मार्तंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मार्तंड, इस वक्त मौसम को लेकर लोगों के लिए बुरी खबर है, इस वक्त जो गर्मी, प्रचंड गर्मी लोगों को देखने को मिल रही है, अभी इसमें राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है, क्या कुछ जानकारी है? हाँ जी, देखिए जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि मानसून जो है समय से आ जाएगा, लेकिन देखा जा रहा है बादल छाए रह रहे हैं, लेकिन की वजह से लोगों को जो है लगातार गर्मी है। लोग बादलों को देख के राहत जरूर लेते हैं कि बादलों में बारिश होगी, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने भी जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें यही है कि अभी फिलहाल एक हफ्ते तक दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास इलाकों में मानसून की पहली बारिश नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोगों को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में दस्तक दे देता है। पिछले साल मानसून 25 जून को दिल्ली पहुंच गया था और 29 जून तक पूरे देश में पहुंच गया था, मगर इस बार जो रिपोर्ट जारी की गई उसके हिसाब से जो है अभी जो एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ता है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, आंकड़ों की अगर बात करें तो मध्य दिल्ली में इस मौसम में केवल 8.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि देश में दूसरा सबसे अधिक सबसे कम बारिश वाला जिला है। भारत में 1 जून से 30 सितंबर तक आधिकारिक तौर पर मानसून का मौसम माना जाता है और भारत में भी हमेशा माना जाता है कि मौसम जो है भारत का या जो कृषि आधारित देश है भारत, तो यहाँ पे मानसून की अहमियत बढ़ जाती है। तो अगर बात करें हम केवल
गर्मी से राहत की, तो इसके अलावा अगर दूसरा पक्ष देखें तो किसानों के लिए भी जो है ये थोड़ी सी चिंता का विषय है, क्योंकि इस समय अमूमन धान की खेती होती है अगर हम उत्तर पश्चिम उसकी बात करें तो, और उसके लिए बारिश जो है बहुत ज्यादा प्रभावी बारिश चाहिए होती है। लेकिन अगर इस तरीके से बारिश की कमी है और जिस तरीके से रिपोर्ट है कि अभी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर जो है गर्मी और किसानों दोनों के लिए जो है ये बारिश जो है जरूरी है, और नहीं होगी तो गर्मी से भी राहत नहीं मिलेगी और किसानों को भी राहत नहीं मिलेगी। तो मार्टन, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों हम लोगों ने देखा था कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही थी कि इस साल मॉनसून काफी ज्यादा रहने वाला है, लोगों को बारिश काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, वहीं मॉनसून को लेकर भी ये प्रिडिक्शन लगाया जा रहा था कि मॉनसून जल्द पहुंच जाएगा, वहीं अचानक से अब खबर मिलती है कि मॉनसून देरी से आ रहा है। वहीं अब आंकड़े, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 85% की कमी आई है बारिश में। ऐसे में मॉनसून के देरी से आने की क्या कुछ वजह सामने आई है? है कि जो मानसून है ये पूरी तरह जो है वातावरण में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हवा का दबाव होता है उस पर डिपेंड करता है, और उसी दबाव के कारण जो है मतलब ये बारिश कम या ज्यादा होती है। अब ये जो है समय समय पे बनता बिगड़ता रहता है हवा का दाब, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इस बार जो है 90% से ज्यादा 97% के आसपास जो मानसून में बारिश की उम्मीद की गई थी, और केरल में जिस तरीके से हालांकि देखा जा रहा है कि केरल में भी थोड़ा लेट पहुंचा था, लेकिन उतना लेट नहीं हुआ था, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि समय से जो है ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उत्तर भारत पूरे समुचे उत्तर भारत में होगा। लेकिन जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है कि सिर्फ जो है दिल्ली में सिर्फ 8.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, और इसमें जो कि अगर गिरावट की बात करें तो 85% की गिरावट दर्ज की गई है, तो ये काफी चिंता का विषय है। हालांकि ये सब कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है, और हवा का दबाव जो है समय के हिसाब से बनता बिगड़ता रहता है। वो अभी देखना ये होगा कि अभी जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी जो है एक हफ्ते बाद जो है मानसून आने की उम्मीद है, तो हो सकता है मानसून आए, अभी पूरा समय है, करीब 2-3 महीने का पूरा समय है, सितंबर तक बारिश होती है, तो अच्छी बारिश की उम्मीद लगाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्तंड आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मॉनसून से जुड़ी इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अभी मॉनसून के लिए लोगों को एक और हफ्ते का इंतजार करना होगा, गर्मी के प्रकोप से अभी लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मायावती के ट्वीट पर मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पलटवार किया है। बता दें कि मायावती ने ट्वीट कर बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना नाटकबाजी बताया था। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि इस प्रदेश का एक एक दलित अच्छी तरह से जान चुका है कि गांव की खेती होती है, कुछ दबंग लोग अधिया पर ले लेते हैं, वो खेती में बुआई करने का काम करते हैं, लेकिन जब कटाई की बात आती है तब मायावती टिकट बेचकर तिजोरी में पैसा भरकर रख लेती हैं। उन्होंने कहा कि मायावती ने बाबा साहेब के नाम पर वोट लिया है, उन्होंने दलित समाज को भ्रमित किया है। जैसा कि अभी हमारे सदस्यों और माननीय मंत्री ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के हाथ में अगर एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप, उनके बच्चे केवल अलमारी, स्कूटर, पंचर और पीसी के मिस्त्री ही ना हो, उनको भी हम लोन दे करके उनको भी हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हमने अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से एक बेटी को 8 लाख रुपए का लोन दिया है पढ़ाई के लिए। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।